हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ मनीष मित्तल फ्रॉम सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। ऑन बिहाफ ऑफ सूरज स्कूल, टुडे आई स्टार्ट माई न्यू चैप्टर। माई चैप्टर नेम इज बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम 11th अकाउंटेंसी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू मीन बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न शेप में है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, बिना किसी कंडीशन के ऑर्डर दिया जाएगा। मतलब जो अपोजिट पार्टी पर कोई ऑर्डर पर अपनी कंडीशन नहीं लगा सकती है। साइन बाय मेकर, लिखने वाले इस पे साइन करे। डायरेक्टिंग टू पे, और जिसमें दिशा निर्देश दिया जाता है टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, जो इसमें निर्धारित पैसे क्या तो तुम मुझे दोगे, और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, या जिस व्यक्ति को देने के लिए मैं कहूँ उसको दोगे, और टू द बैरियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यदि किसी व्यक्ति को मैंने ट्रांसफर कर दिया है तो आप उसको दोगे। अगेन आई रिपीट ऑल दी थिंग्स कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक साधन इन राइटिंग, रिटर्न शेप में होता है, ओरल नहीं होता, रिटर्न होता है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, बिना किसी शर्त के ऑर्डर दिया गया, साइन बाय द मेकर, मेकर इस पर साइन करेगा। डायरेक्टिंग टू पे, एक दिशा निर्देश दिया गया कि टू पे एक निर्धारित पैसा, ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, जिसको मैं कहूँ उसको देना है, और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, या जिसको मैं कहने के लिए कहूँगा उस देने के लिए उसको देना है, और बैरियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर मैंने किसी को बैरियर दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो उस व्यक्ति को इसके लिए पेमेंट करना है। तो इसमें इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स भी आ गई है कि ये किस शेप में होते हैं, रिटर्न शेप में होगा, ओरल नहीं होगा। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ऑर्डर भी अनकंडीशनल होता है, इसमें रिक्वेस्ट नहीं, इसमें ऑर्डर दिया जाता है जो कि रिटर्न अनकंडीशनल होता है। साइन बाय मेकर, इस पर साइन किया जाता है एक्सेप्टर के द्वारा। पे करने सर्टेन सम, जिसमें एक दिशा निर्देश दिया गया आपको पैसा करने, और इसके लिए क्या कहे, इसको बैरियर ट्रांसफर भी किया जा सकता है दूसरे व्यक्ति को। अगर इसके अंदर मैं पार्टीज की बात करूं, पार्टीज तो इसमें थ्री पार्टीज है। पहली है ड्रावर, ड्रावर दूसरा बेटा ड्रावी, एंड थर्ड वन इज पेई। ड्रावर, ड्रावी, पेई। ड्रावर हू रोट द बिल, हू रोट द बिल, जिसने बिल लिखा। ड्रावी हू गिव एक्सेप्टेंस ऑन द बिल, हू गिव एक्सेप्टेंस ऑन द बिल, जो बिल पर अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है। और पे होम विल रिसीव मनी, रिसीव मनी ऑन ड्यू डेट, जिसे ड्यू डेट पर पैसा मिलना है। इसमें पहले कितनी पार्टीज होती है, तीन। ड्रावर जिसने बिल लिखा, ड्रावी जिसने एक्सेप्टेंस दी, और पे ड्यू डेट पर जिसको पैसा मिलना है। तो इसमें बिल लिखने वाला कौन है, क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर को पैसा मिल सकता है अगर उसने दूसरे को एंडोर्स ना किया हो तो। तो इसके अंदर ड्रावर पे ही बन सकता है, ड्रावर पे ही बन सकता है। इसी में आपका अगला कॉन्सेप्ट है प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न, ये भी रिटर्न में होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कि बिना शर्त के आप कोई लाइटवेज ले रहे हैं। यहां पर ऑर्डर था, यहां पर एक व्यक्ति अपने ऊपर लाइटवेज ले रहा है, हाँ हम ही कर रहे, जिसमें साइन करेगा, लिखने वाला साइन करेगा टू पे ए सर्टेन सम टू, की निर्धारित पैसा मैं तुम्हें दूंगा, और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, या जिसको तुम देने के लिए कहोगे उसको दूंगा। इसमें बैरियर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लिखने वाले इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो एक प्रोमिजरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये रिटर्न शेप में होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग,
जिसमें बिना किसी शर्त के कोई लाइब्रेरी अपने ऊपर ली गई है, साइन बाय द मेकर, लिखने वाले ने साइन करके दिया है कि टू पे एक सर्टेन सम मनी टू, क्या तो एक निर्धारित पैसा तुम्हें दूंगा या एक जिसको आप देने के लिए ऑर्डर करेंगे मैं उसको दूंगा। अगर इसके अंदर मैं पार्टीज की बात करूं तो इसके अंदर केवल दो ही पार्टी है, एक ड्राइवर वही बात, एक पे ड्राइवर जिसने प्रोमिजरी नोट लिखा, ड्रावी जिसे ड्यू डेट पर पैसा मिलना है। इसमें ड्रावर कौन होता है, डेटर होता है जिसको सामान बेचा गया, और जिसको बेचा गया वो अपने को खुद को पैसा कहां से देगा, तो इस केस में ड्रावर कभी भी पे ही नहीं हो सकता है, इस केस में ड्रावर कभी भी पे ही नहीं बन सकता है। अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिट, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या बना है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट के अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट के अंदर क्या डिफरेंस बना है, नोट के अंदर क्या डिफरेंस है। पहला है पार्टी, बेस इधर में लिख रहा हूं, बेस है ये आपका पार्टी। पार्टी कितनी है इसके अंदर, बेटे थ्री पार्टी है और इसके अंदर कितनी पार्टी है, टू। थ्री में अभी आपको बताया कौन कौन सी है, ड्राइवर, ड्रावी और पे। इसके अंदर दो ये ड्राइवर और पे। दूसरा बेस है ड्राइवर, लिखने वाला कौन है, इसमें जो ड्राइवर है वो क्रेडिटर है और इसमें जो ड्राइवर है वो डेटर है, यानी सामान बेचने वाला इसमें ड्राइवर, इसमें सामान खरीदने वाला ड्राइवर है। इस ऑर्डर और प्रोमिज, ऑर्डर एंड प्रोमिज, इसमें ऑर्डर कंटेन होता है कि लिखने वाला ऑर्डर देगा, और इसमें प्रोमिज कंटेन होता है लिखने वाला एक लाइब्रेरी अंडरटेकिंग कर रहा है, तो इसमें प्रोमिज होता है कि वो वादा कर रहा है कि मैं आपका पेमेंट करूंगा। एक्सेप्टेंस की स्वीकृति, अपोजिट पार्टी की एक्सेप्टेंस जरूरी है कि नहीं, इसमें एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है। जब तक बायर इस पर एक्सेप्टेंस नहीं देगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें बेटा एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं होती है। अगला है लायबिलिटी, इसमें जो लायबिलिटी है ड्राइवर की, सेकेंडरी होती है। यदि पेमेंट नहीं कर रहे जिसको एंडोर्स किया गया तो उस केस में प्राइमरी, अगर ये जो आपका बेटा एक्सेप्टर अगर पेमेंट नहीं करेगा तब ड्राइवर को पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें इसकी लाइटली प्राइमरी है कि पहले पेमेंट लिखने वाले को ही पिक करना पड़ेगा। पे ड्राइवर कैन बी पे, इसमें ड्राइवर पे ही कैन नॉट पे ड्राइवर कैन नॉट पे, ड्राइवर पे ही नहीं हो सकता। इसमें ड्राइवर कैन बी पे, ड्राइवर पे ही हो सकता है। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा, अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।